कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप भी अपनी फोटो से इस तरह का ट्रेंडिंग वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एलाइट मोशन ऐप की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास एलाइट मोशन ऐप नहीं है तो मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सॉन्ग बीटमार का लिंक मिलेगा, उसे डाउनलोड करके एलाइट मोशन पे इनपुट कर लेना। अगर आपको सॉन्ग बीटमार डाउनलोड करने या इनपुट करने में कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में और एक वीडियो का लिंक है, उसे चेकआउट कर लेना। तो सबसे पहले आपको एलाइट मोशन ऐप को ओपन करके नीचे प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके 9:60 रेशियो पे क्रिएट पे क्लिक करके फिर से नीचे प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके वॉल पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आपका जिस भी फोल्डर में फोटो है उस फोल्डर को क्लिक करके आपका फोटो को सिलेक्ट कर लेना। फोटो सिलेक्ट करने के बाद ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करके फोटो को एडजस्ट कर लेना। उसके बाद ऊपर शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एक्सचेंज में क्लिक करके फोटो को एक्सपोर्ट कर लेना। फोटो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद फोटो को सेव करके बैक कर लेना। उसके बाद फोटो पर टैप करके फोटो को डिलीट कर देना। फिर से नीचे प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके कोई दूसरा फोटो को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करके फोटो को एडजस्ट कर लेना। उसके बाद ऊपर शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एक्सचेंज में क्लिक करके फोटो को एक्सपोर्ट कर लेना। फोटो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद फोटो को सेव करके बैक कर लेना। उसके बाद फोटो पर टैप करके फोटो को डिलीट कर देना। इसी तरह से टोटल 12 फोटो को 9:60 रेशियो पे क्रिएट करके कन्वर्ट कर लेना। सारे फोटो कन्वर्ट हो जाने के बाद सॉन्ग बीटमार्क को ओपन कर लेना। सॉन्ग बीटमार्क का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सॉन्ग बीटमार्क को ओपन करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना। उसके बाद आपको नीचे जो ग्रीन लेयर मिलेगा उस पर क्लिक करके कलर्स एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके आपने जिस फोटो को एक्सपोर्ट किया था उस फोटो पे क्लिक करके ऊपर प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को ऐड कर लेना। फोटो ऐड होने के बाद फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल करके नेक्स्ट ग्रीन लेयर पे आ जाना। उसके बाद ग्रीन लेयर पे क्लिक करके कलर्स एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके कोई दूसरा फोटो पे क्लिक करके ऊपर प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को ऐड कर लेना। फोटो ऐड होने के बाद फिर से नेक्स्ट लेयर पे आ जाना। उसके बाद लेयर पे क्लिक करके कलर्स एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके कोई दूसरा फोटो पे क्लिक करके ऊपर प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को ऐड कर लेना। इसी तरह से आपको बाकी जितना भी लेयर मिलेगा सारे लेयर में एक एक फोटो को ऐड कर लेना है। आखिर तक सारे लेयर में फोटो ऐड हो जाने के बाद आपका वीडियो एक्सपोर्ट के लिए रेडी है। उसके बाद ऊपर शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में।